बड़ोली परिसर में कुदरत का अजूबा के रूप में एक पेड़ से लगातार पानी बह रहा है, जिसको लेकर नागरिक आश्चर्य व्यक्त करते हुए तमाम तरह के तर्क लगा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं न कहीं से कोई न कोई अनहोनी अवश्य सुनाई दे रही है और जिसके पीछे तमाम तरह के तर्क लगाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कारण बताते हैं और वहीं धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर लोग इसे कुदरत का चमत्कार कहते हैं। वैसे भी कलयुग में कहा गया है कि कुदरत का चमत्कार आम बात है। और अब एक ऐसी खबर बड़ोली परिसर से हमारे प्रतिनिधि संतोष यादव के साथ राजू अलोने ने हमें जानकारी दी, जहां पर पेड़ से लगातार पानी निकल रहा है और लोग जिसको देखकर ताजुब हो रहे हैं। और स्थिति अब ये है कि वहां पर इस पेड़ को देखने वालों की भीड़ बढ़ रही है। वहीं इस पेड़ से पानी निकलने के संबंध पर वहां पर मौजूद नागरिकों ने तमाम तरह के तर्क बताए, तो सुनिए इस संबंध में उन्होंने क्या कहा स्वयं उन्हीं की जुबानी। ये हमारे एक पेड़ है, यहाँ बाथरूम है, बाथरूम के पास में एक पेड़ है, वो पेड़ सूखा है। कल से उस पेड़ से लगातार निरंतर एकदम शुद्ध जल एकदम ऐसा सींच रहा है, बूंद 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 तीन चार जगह से गिर रहा है। ये हम लोग काफ़ी इसका देखे इसको, लेकिन ये हमको कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है कि कैसा पानी आ रहा है करके। कोई उसमें पानी में चिकटा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और ये पानी लगातार निरंतर उधर से पानी आ रहा है। बायोलॉजिकल सर्वे रहता है उसका, वो चेक जो करते हैं वो अगर पता लगा सकते हैं उसके बारे में एक्चुअल उसमें। लेकिन अभी हमको चमत्कार रीजन क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये पर्यावरण में एक बदलाव की वजह से भी हो सकता है और भी कोई रीजन हो सकते हैं उसकी वजह से जो पानी एकदम शुद्ध है, पता चलेगा पानी एकदम शुद्ध है। पानी में ऐसा कोई हमने टेस्ट करके देखा है, ऐसा पानी शुद्ध है एकदम, ऐसा पानी है जैसा प्यूरिफाई करके पानी जो निकलता है वैसा पानी है। हमने टेस्ट करके देखे पानी तो, और इसके अलावा भी हमने तो ऐसी अपने मतलब वैसी टेस्ट करे ना नॉर्मली, बाकी लोग आगे उसके टेस्ट करना चाहिए तब जाके होगा, उनके ऊपर चेक किया जाएगा।